हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। मालती चौहान ने अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि उनके साथ जो चीज़ें हुई, उन्हें जो मेंटली टॉर्चर किया गया, उन्हें जो इतना ज़्यादा हरेस्ट किया गया, उसकी वजह से वो इतनी परेशान हो चुकी थी, इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी कि उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया है। और विष्णु राज का ये कहना है कि उन्होंने खुद अपने हाथों से अपने आप को फांसी लगाई है, लेकिन हम मानते हैं कि मालती चौहान ने खुद को ख़त्म नहीं किया है, खुद उन्होंने फांसी नहीं लगाई है। इसके जिम्मेदार विष्णु राज हैं और अर्जुन वर्मा हैं, क्योंकि इन दोनों ने उसकी ज़िंदगी को इतना बेकार कर दिया था, उसकी ज़िंदगी को ऐसा मोड़ दे दिया था, उसे ऐसी परिस्थिति में पहुंचा दिया था कि वो ये कदम उठाने के लिए मजबूर हो गई। और अगर हम बात करें सोशल मीडिया की और मालती चौहान के ब्लॉग की हम बात करें, तो एक दिन पहले ही उन्होंने वीडियो शेयर की थी कि वो अपने घर जा रही हैं, और उसमें वो खुश थी, संतुष्ट थी कि वो अपने घर वापस जा रही हैं। तो एक बात बताइए, एकदम से वो ऐसा फैसला कैसे ले सकती है कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, और इतनी ज़्यादा कैसे वो परेशान हो गई, क्योंकि इस आदमी ने, ये विष्णु राज, जो उसे बताता है कि ये उससे प्यार करता था, ये इसके बिना जी नहीं सकता था, और इसके साथ बेवफाई हुई है, जो इतना रो रहा था सोशल मीडिया पे, इसने उसे मजबूर कर दिया कि वो अपने आप को ख़त्म कर दे। और उसने उसका ना आदर सम्मान किया है, ना उसे वो इज्जत दी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अपने इन इशू को लेकर यही सबसे पहले आया था। इसी ने शादी करवाई थी, वीडियो बनाई थी, वीडियो को वायरल भी कर दिया, उसके बाद ही अपने दुख का रोना रो रहा था और मालती चौहान से कह रहा था कि तुम्हें इस चीज़ का पश्चाताप करना पड़ेगा, और मुझे इस चीज़ का, इस बात का मुझे बिल्कुल जवाब चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे, मेरे लिए मुझे चाहिए कि मुझे मेरी सुनवाई हो। एक बात बताइए, जब खुद आपने ये फैसला ले लिया, जब आप खुद अपनी मर्जी से शादी करा रहे हैं, वीडियो में साफ तौर से कह रहे हैं कि हमारी मर्जी से ये सब हो रहा है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि इनकी शादी हो रही है, उसके बाद इतना ज़्यादा उसे मेंटली टॉर्चर करना, लोगों से भी, अपने आस पड़ोस के रिश्तेदारों से भी ये कहना कि इसने मेरे साथ बेवफाई किया है, ये मेरे घर में रह के ऐसे काम कर रही थी। अगर सच में विष्णु राज को इस बात का दुख था कि मालती चौहान उनसे दूर हो गई हैं, उनारे साथ बेवफाई हुई है, उन्हें उससे प्यार था, वो अपनी ज़िंदगी मालती चौहान को वापस चाहते थे, तो मालती चौहान तो माफ़ी मांग रही थी, अपने परिवार में, अपने पति के पास वापस आना चाहती थी, अपने बच्चे के साथ जीना चाहती थी, तो क्यों नहीं विष्णु राज ने उसे माफ़ किया, क्यों नहीं आपस में बातचीत करके अपने मसलों को सुलझाया, बल्कि सोशल मीडिया पे रो रहे थे और उसे दोष दे रहे थे, उसे इतना ज़्यादा डिप्रेस कर दिया, इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया कि उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। अब जब वो ख़त्म हो गई है, उसने अपनी ज़िंदगी को छोड़कर अपनी मौत को गले लगा लिया है, तो भी इन लोगों के आंखों में एक आंसू नहीं है। विष्णु राज चौहान जो मालती से मोहब्बत करने का दावा करते थे, जो उनके जाने से दुखी थे, उनकी बेवफाई का रोना रो रहे थे, उनकी आंखों से एक आंसू हमें झलकता हुआ नहीं दिखा। और अर्जुन वर्मा, इसके तो कहने ही क्या है, ये तो ऐसे खड़ा था वहाँ पे जैसे कि ये जानता ही ना हो। इतने शरीफ बन के हम किसी अनजान के उसमें भी जाते हैं तो हमें दुख होता है, हमारे चेहरे पे मायूसी आ जाती है, लेकिन ये दोनों इंसान ऐसे खड़े थे वहाँ पे जैसे ये इसे जानते ही नहीं है, किसी अनजान के वहाँ पे दुख मनाने आए हों, शोक मनाने आए हों। इन दोनों ने मिलकर जो ये काम किया है, इसकी वजह से ही मालती चौहान ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया है। और सच में इन जैसा गिरा हुआ इंसान कोई हो ही नहीं सकता है, और इन लोगों ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया अपने वीडियो के लिए, अपने चैनल के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। और जब इनका मन भर गया है, जब इनकी ज़िंदगी में अब किसी और की आने की आहट हो गई है, तो इन्होंने इससे, अपनी ज़िंदगी से निकालने का ये तरीका सोचा है। लेकिन कहते हैं कि देखिए, आप इंसान हो के किसी के साथ गलत कर सकते हैं, लेकिन भगवान उसका पलटा ज़रूर लेता है। आपने चाहे किसी के साथ कुछ ना किया हो, लेकिन आपने उस मासूम बच्चे के साथ, उसके साथ बहुत बुरा किया है, उसकी ज़िंदगी को आपने उजाड़ दिया है, उससे उसकी माँ छीन ली है आपने, तो इसके लिए आपको ज़रूर भुगतान होगा। हर इंसान का कर्मा उसके ऊपर लौटता है, और इन लोगों का भी लौटेगा, और देखिएगा कि ये कभी सुकून से नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने एक हंसती खेलती ज़िंदगी को तबाह करने में अपना हाथ बढ़ाया है, अपना योगदान दिया है। ये किसी की ज़िंदगी संवार नहीं सकते, तो उसे ख़त्म करने का इन्हें क्या हक था, छोड़ देते, दूर रहने देते, अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू कर देते, उसकी ज़िंदगी को ख़त्म क्यों किया इन्होंने। यही लोग दोषी हैं उसकी आत्महत्या करने के।